छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के पूरे नतीजे सामने आ चुके हैं। इन चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत भी दर्ज की, लेकिन इन चुनाव परिणामों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को भीतरघात की नई चुनौती भी दे दी है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हुए निकाय चुनाव में भले ही कांग्रेस को बहुमत मिला और वो एक तरफा 13 स्थानों में अपने मेयर और अध्यक्ष बनाने में कामयाब रही, लेकिन चुनाव में क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही प्रभावित किया है, खासतौर पर बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी अनुशासित पार्टी मानी जाती है। उसके पार्षदों ने भी जामुल और मुंगेली में पार्टी का स्थान नहीं दिया, जिसके कारण कांग्रेस फायदे में रही। अब इस पूरे मामले को बीजेपी गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करने की बात कर रही है। निश्चित रूप से जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं थी और वो पूरी नहीं हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसकी समीक्षा करेगी और समीक्षा कर कैसे सुधार लाया जा सकता है उसको देखेगी। इधर कांग्रेस भी भीतरघात से परेशान है। ज्यादा पार्षद होने के बावजूद बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा में कांग्रेस को झटका लगा है। वहीं कांग्रेस भी इस मामले में जांच कर चुकी है और रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। हमने जांच कमेटी बना दी है और हमारे जो जांच कमेटी के सदस्य हैं वे पीड़ित लोगों से, उसके साथ साथ वहां के जनप्रतिनिधियों से, पार्षदों से, सभी से विस्तार से चर्चा करके जो रिपोर्ट आएगी उस पर हम आगे की कार्यवाही करेंगे। इन निकाय चुनाव में भीतरघात की समस्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही सिर दर्द बनकर सामने आई है। हालांकि दोनों ही पार्टियां इसको लेकर सख्त दिख रही हैं। साथ ही दोनों ही दल ये भी कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर।